तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो पे कभी भी स्ट्राइक पड़ जाएगा एंड गरीना कभी भी इस वीडियो को हटा देगा। एंड मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अपने चैनल को रिक्स पे रख के, मतलब एक साल की मेहनत है, आप मेरा चैनल डिलीट भी हो सकता है, गरीना वाले स्ट्राइक मार देंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बात करेंगे ना, मतलब अभी देखो सभी लोग कमेंट में जाकर हैशटैग जस्टिस फॉर इंडिया लगा देना, और जिसकी वीडियो भी जाएगा ना, जिस यूट्यूबर की वीडियो भी जा रहे हो, सबकी वीडियो पे जाके लिखना हैशटैग जस्टिस फॉर इंडिया, क्योंकि यार हमारे इंडियन सर्वर में यार मतलब हमसे कुछ दुश्मनी है क्या गरीना वाले को, तुम लोग बताओ यार। एंजेलिक पैंट होती है वो सारे सर्वर में नॉर्मल है, वो पैंट समझ रहे हो तुम लोग, नॉर्मल है वो सारे सर्वर में, और ये हिप हॉप बंडल दे रहे हैं वहाँ सारे बंडल, अरे नॉर्मल है भाई वहाँ पे, वहाँ पे इवेंट देते हैं, डिस्काउंट पे देते हैं, सब देते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, तुम लोग अगर थोड़ा सा डीप में सोचोगे ना, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, सबसे बड़ी गलती है इसमें यूट्यूबर की, वो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर उनको कुछ पता ही नहीं है ना, वो चीज़ पे बात करते हैं बस, अपना लाइव स्ट्रीम करेंगे, पूरा दिन वीडियो बनाएंगे एंड इनका काम हो गया, इस चीज़ पे वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, इतना टाइम हो गया उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, मतलब कोई नया बंदा इस गेम में खेलने के लिए आएगा ना भाई साहब, वो तो वैसे ही शांत होकर शर्मिंदा होकर चला जाएगा गेम से, कि यार मेरे बस की नहीं, यहाँ पे तो इतना पैसा लगाना पड़ता है गेम में, मतलब इस गेम को ना ऐसा कर दिया कि डायमंड के बिना इसमें कुछ है भी नहीं। एंड मैं तुम लोगों से बताता हूँ कि इनकी अकल तुमको ठिकाने लानी है ना गरीना वालों की, ऐसा करके कि मतलब तुम लोग करोगे ना यार, देखो तुम लोग टॉप अप करोगे, लाइट पास लोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये और चीज़ें महंगी करती चले जाएंगे, और इंडोनेशिया सर्वर का तुमको पता होगा वहाँ पे चीज़ें इतनी नॉर्मल हो चुकी है ना, कि वहाँ 40 रुपये में इतने डायमंड ले सकते हैं, कि तो वहाँ के लोगों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, वहाँ के लोग इसलिए फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा डायमंड्स पे और कुछ चीज़ों पे, डायलन प्रॉस को आप जानते हैं, गेमर के साथ उसका कॉम्पिटिशन हुआ था एज ए डायमंड में ग्लोबल पे कौन जाएगा, तो उसमें हमारे लोग इस गेमर हार गया था। एंड इसका रीज़न ये है कि हमारे लोकेश गेमर इसलिए हारा था क्योंकि देखो पहली बात तो ये लोकेश गेमर हारा था बिकॉज यहाँ पे हमारे यहाँ पे डायमंड बहुत ज्यादा वाला महंगा मिलता है और इंडोनेशिया सर्वर में इतना सस्ता मिलता है, अगर लोकेश गेमर इंडोनेशिया सर्वर में जाता तो उनके सारे सर्वर को खरीद लेता, जहाँ तक मेरे को पता है उसके बारे में। एंड दूसरी चीज ये डायमंड की तो बात ही छोड़ दो तुम लोग, ये डायमंड वायमंड की वजह से तो हो रहा है, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, लोकेश गेमर कुछ चीज़ में लेंगे क्योंकि उसका डायमंड से ये सब कुछ, एंड लोकी चचा हमारा ऐसे ही है, उनको डायमंड के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, और सारे जितने बच्चे हैं सारे उनके सब्सक्राइबर हैं, सारे उनकी ये चीज़ें करके जाते हैं, उनकी वीडियो जाके देखता है डायमंड ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो अपने घर वालों के पैसे चुरा के कैसे न कैसे करके अपनी आत मतलब किडनियाँ निकाल के वो डायमंड टॉप करते हैं। यार तुम भी डायमंड टॉप करते हो, मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ज़्यादातर लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग ही करते हैं, कोई ऐसा अंबानी की औलाद नहीं होता है, अंबानी का घर पैदा नहीं हुआ होता कि मतलब सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ होता है, तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए। एंड मैं वीडियो का थंबनेल ये लगाऊंगा कि गरीना का ऑनर मर चुका है, यार मैं क्यों ना लगाऊं भाई, मैं क्यों ना लगाऊं, मैं तो लगाऊंगा इस चीज़ को क्योंकि और कोई यूट्यूबर इस चीज़ पर बात नहीं कर रहा है। देखो हम ना छोटे यूट्यूबर, हमारी को ऐसे भी कोई बात सुनते करें, और लोग अभी भी ना, अभी भी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, वो सोचेंगे मैं भाई ये क्या बात कर रहा है, और बड़ा यूट्यूबर कोई ये वीडियो डालेगा ना, उसकी वीडियो ऐसे देखेंगे शान से जैसे बहुत बढ़िया बात कह दी उसने, ठीक है ना, तो इस वीडियो को अभी शेयर करेंगे ये लोग क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर है, बड़े भाई इन्होंने तो ऐसा पापा सा बना रखा है, तो यार इस चीज़ को तुम लोग कम कर दो, वहाँ पे उन लोगों की ना इसलिए वैल्यू, डायलन प्रोस वगैरह जो है और बाकी जो यूट्यूबर है उनकी इसलिए वैल्यू है क्योंकि वो गरीना वालों को ज़्यादा वैल्यू देते नहीं है ना वो इलाइट। तुम ना एक काम करो, चलो एक बात सुनो मेरी, तुम इस महीने ना इलाइट पास लेना छोड़ दो, लेकिन तुम सोचो करो भाई हम इस बार इलाइट पास नहीं लेंगे तो यार हमारा कलेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन ये तो दिक्कत है मेरे भाई मेरे प्यारे, तुम लोग गेम प्ले पे कभी ध्यान नहीं देते हो, तुमको बस क्या मारना था, टपाटप हेडशॉट मार दिया, इस यूट्यूबर ने ये वाला वन टैप मारा तो हम 4 टैप मारेंगे, मतलब ऐसे घुमा घुमा के गेम प्ले में जाओगे सीधा वन टपाटप पेलोगे वन टैप, और रेड नंबर चाहिए तुम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। अरे पहले गेम ऐसा नहीं था, तुम लोगों ने बना दिया, टपाटप से कुछ नहीं होता है, जाके वो ही मर जाता है, और जो तुम वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना टपाटप वाली, एकदम वन टैप जो लाल टैप लाल लाल टमाटर दिखाता है वो तुमको, वो रिकॉर्ड हुई भी रहती है और वो क्लिप कटी हुई रहती है, कभी उससे ये तो बोलो कि भाई तू अपना पूरा गेम प्ले उठा के डालना है यहाँ पे, जो तू रिकॉर्ड किया है जो टपाटप दिखा रहा है सबको मानना एक साथ, पूरा क्लिप डाल पूरा रैंक मैच का 15 से 16 मिनट का हम देखे तूने कहाँ पे वन टप 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 मारा ऐसे मानना, तो ये चीज़ तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो यार तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड तुम ये हैशटैग को अगर जाके नहीं लगाओगे कहीं भी तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तुमने बहुत सारे यूट्यूबर को अभी भी देखा होगा वो चीज़ पर बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी वाली बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को कि वो दिन आ गया जो पहले होता था डायमंड वायमंड का, वो दिन जाने वाले हैं सभी यूट्यूबर के, तो अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ ये अच्छे दिन आने वाले हैं हम सभी को, तो सभी लोग एक साथ मेरे कमेंट में भी स्पैम कर देना हैशटैग जस्टिस फॉर इंडिया, और जिस यूट्यूबर के पास भी यार सभी के पास जाके कर देना हैशटैग जस्टिस फॉर इंडिया, मतलब अभी ना ऐसा मॉल बन रखा है यार कि यूट्यूब पर भी जब 2-3 दिन हो गया ना जस्टिस फॉर इंडिया पे ऐसा मॉल बन रखा कि भाई पता नहीं क्या हो गया यार, ऐसा लग रहा है मेरे को 26 जनवरी या 15 अगस्त आ गया भाई, तो मतलब मज़ा सा आ रहा है ये चीज़ को। एंड ये चीज़ पर यार ध्यान भी नहीं दे रहे थे तो हमने थोड़ा सा फोकस किया, और बड़े यूट्यूबर इस चीज़ पर वीडियो नहीं बनाएंगे, देखना तुम लोग सभी लोग देखना, कोई भी बड़ा क्रिएटर इस चीज़ पर वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि उनकी जल रही है कि हमारा काम खराब हो जाएगा, उनकी दुकान रुक जाएगी ना भाई, उनकी दुकान रुकने वाली है, जो भी बंदे डायमंड से थे ना ये जो ऐसा गिवे करते फिरते थे उनकी दुकान रुकने वाली है, तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था उन लोगों का, एंड हम लोगों ने ये चीज़ को बिल्कुल नकार दिया। एंड एक बात और कहनी थी तुम लोगों से,
शेयर तो कर ही देना। एनीवे इस वीडियो को ना डाउनलोड भी कर लेना तुम लोग, ठीक है? जो भी बंदे ने लास्ट तक वीडियो देखी इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना, बिकॉज ये गरीना कभी स्ट्राइक मार के इस वीडियो को डिलीट कर सकता है। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, सलाम से रखा, नमस्ते गाइस सभी को, बाय 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 गाइस।